जनपद चमोली के सुदूरवर्ती ग्राम पंचायत डुमक को सड़क से जोड़ने की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन व उपवास कार्यक्रम लगातार जारी है। बता दें, शनिवार को भी धरना उपवास के 17वें दिन बद्रीनाथ के विधायक लखपत बुटोला समेत अजीत पाल रावत आदि ने धरना स्थल पहुंच डुमक ग्रामीणों के साथ धरना दिया। जानकारी के मुताबिक यहाँ के ग्रामीण कई सालों से शासन प्रशासन से सड़क की मांग करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक कोई भी सकारात्मक पहल नहीं की गई है और आज भी ग्रामीणों को मुख्य सड़क से 18 किलोमीटर की पैदल दूरी तय करना पड़ता है। चमोली से संदीप कुमार की रिपोर्ट। होने के बावजूद यहाँ पे सड़क नहीं है और यहाँ के लोगों ने लगातार कई बार यहाँ पे प्रदर्शन किया है। 2007 में यहाँ के लिए सड़क स्वीकृत हुई थी, तब से लेकर कई टेक्निकल दिक्कतों की वजह से, सरकार की लापरवाही की वजह से, प्रशासन और शासन की वजह से, विभागीय की लापरवाही की वजह से यहाँ के लोगों को सड़क से वंचित रखा गया है। और आज यहाँ पे मेरी माताएं, बहनें, नौजवान साथी, बुजुर्ग लोग, तमाम लोग यहाँ पे आमरण अनशन पे बैठे हुए हैं। इन लोगों ने धरना प्रदर्शन दिया हुआ है। इन लोगों की समस्या को जानने के लिए पूरे कांग्रेस परिवार के लोग, चाहे हमारा ब्लॉक अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रधान संगठन के अध्यक्ष हो, चाहे हमारे प्रमुख जी हों, चाहे हमारे तमाम जितने लोग भी हैं, ये तमाम लोग साथ में आए हैं। और केवल यहीं जो सिमट ब्लॉक के नहीं, इसमें दसोली ब्लॉक से भी हमारे साथ पूर्व प्रधान, जो पूर्व में विधायक का चुनाव भी लड़ चुके हैं, ऐसे हमारे विष्ट जी हैं, हमारे चाहे कांग्रेस इंटर के जो हमारे उपाध्यक्ष हैं, प्रदेश उपाध्यक्ष हैं भंडारी जी हैं, तमाम लोग, सामाजिक कार्यकर्ता लोग, जितने भी लोग हैं, वो तमाम लोग यहाँ पे समर्थन देने के लिए आए हैं। और मैंने यहाँ पे पहले भी SDM से बात की थी और मैंने एक्शन से बात की थी, तो SDM साहब और एक्शन यहाँ पे आए थे, उन्होंने उसको लेकर के बातें कही जो मुझसे कही गई थी, तब बातें कि हम इसको चीफ तक फाइल भेज रहे हैं, चीफ को भेजने के साथ साथ और इसको शासन में हम भेजेंगे, तो माननीय विधायक जी हम तब आपकी सहायता लेंगे, इन्होंने कहा था। लेकिन यहाँ आके पता चला और कल मुझे भी पता चला भी कि जो इन्होंने कहा कि यहाँ पे भूगर्भ सर्वे की वजह, सर्वेक्षण की वजह से फिर इस सड़क को रिजल्ट करने का जो काम किया जा रहा है, उसको लेकर के मैं पुनः एक बार अभी मुख्य सचिव से बात करूँगा और इसको लेकर के मैं चीफ से भी बुलाऊंगा और दूसरी बार मुख्यमंत्री से बुलाऊंगा, विधानसभा के अंदर भी मैं ये सवाल उठाने का काम करूंगा। मैं तमाम लोगों का, अपनी माता बहनों को आश्वस्त कर रहा हूं और तमाम साथियों को कह रहा हूं कि चाहे सड़क पे हो, चाहे सदन में हो, हर प्रकार से मैं आप लोगों के साथ खड़ा रहूंगा। इस प्रकरण को लेकर 26 तारीख को मैं मुख्यमंत्री से मिला था, लेकिन उस पर अभी तक मुझे कोई जवाब नहीं आया। और मैं समझता हूँ कि जो मुख्यमंत्री जी आकर के कह रहे थे कि केवल काम हम अपने पक्ष से करते हैं, तो ये सरकार से मैं सवाल पूछूंगा और मैं आश्वस्त कर रहा हूँ आप लोगों को कि आपकी लड़ाई में खड़ा हूँ और यहाँ सड़क पहुँचाने का काम लखपत बुटोला आपके माध्यम से कराने का काम करेगा। मैं जो आंदोलन चल रहा है, ऐसा नहीं है कि डुमक में पहली बार आंदोलन हो रहा है, इससे पहले भी डुमक वालों ने किसी सड़क को लेकर के आंदोलन किया है। सरकार के आश्वासन पर लोगों ने धरना स्थगित किया उस समय जनवरी में जब किया था, लेकिन जो आश्वासन दिया गया और उस आश्वासन को पूरा नहीं किया, इसलिए डुमक के गांव वाले फिर से आंदोलन के लिए मजबूर हुए हैं। मुझे ऐसा लग रहा है कि सरकार डुमक वालों का एक धैर्य परीक्षा ले रही है और ये धैर्य परीक्षा कब तक रुक पाएगा, ये मुझे लग रहा है कि बहुत ही जल्द डुमक वाले बहुत आक्रोशित होकर के उग्र आंदोलन करेंगे। डुमक प्राकृतिक रूप से बहुत ही सुंदर गांव है और प्राकृतिक संसाधनों से बहुत ही मजबूत गांव है। यदि हम ऐसे गांवों को संसाधन संपन्न नहीं करेंगे तो फिर ये गांव वीरान हो जाएंगे। इसलिए मैं सरकार से बहुत ही विनम्रतापूर्वक अनुरोध करूंगा कि जल्दी से जल्दी इनकी जो मांग है कि सैंक्शन के समय जो संरेखण था, उसी संरेखण पर इस मांग को पूरी की जाए। धन्यवाद।